केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि 5 जून को प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान को शुरू किया था, जो पूरे देश में चल रहा है। पेड़ों की जरूरत इतनी ज्यादा है कि अगर अभी से इस तरह के अभियान को नहीं चलाया गया तो आने वाला समय काफी मुश्किल हो सकता है। हमें विकास और पर्यावरण दोनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। तो वहीं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि ये एक जन अभियान है। 140 करोड़ लोगों को अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाना चाहिए। हमने अपने मंत्रालय से इसकी शुरुआत की है, हम इसे पूरे देश में आगे बढ़ाएंगे। और इस अभियान की शुरुआत आज हमने यहाँ पर दिल्ली में करी है, असोला भाटी के इस क्षेत्र में। अभी दिल्ली में हम ये भी करने वाले हैं कि जितने भी नगर वन हैं उन नगर वन में हम स्वयंसेवी संस्थाओं को, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों को, स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व करके उनका एरिया डिमार्क करना चाहते हैं। जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है वहां पर कम्युनिटी को भी हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, जो नेटिव स्पीशीज है उनको हमने किया। इसलिए आज आपने देखा होगा कि पीपल, बरगद, ढाक जैसे पेड़, नीम, जामुन जो पेड़ यहाँ पर फल की दृष्टि से भी अच्छे हैं, लोकल जलवायु को भी सूट करते हैं। तो ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और अभी तो गर्मी का मौसम है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई जगहों पर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में जो है ये त्यौहार प्रकृति के साथ मनाया जाता है। तो प्रकृति के साथ जुड़ने का भाव सबके मन में पैदा हो, इसके लिए हमने एक पेड़ माँ के नाम अभियान में आज दिल्ली में असोला भाटी में कार्यक्रम किया। पेड़ों की जो ज़रूरत है इस वक्त प्रकृति को, वो इतनी ज़्यादा है कि अगर हमने आज से अभियान को तेज़ नहीं किया और पूरे देश भी पूरी दुनिया में इस अभियान को नहीं चलाया तो आने वाला समय जो है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आपने देखा है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर कभी 45 मैक्सिमम हुआ करता था, अभी 51-52 तक भी पहुंचा है। इसका कारण है कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमें पर्यावरण की भी जो रक्षा करनी है वो कभी कभी भूल जाते हैं। तो आज जरूरत है कि डेवलपमेंट और उसके साथ साथ एनवायरमेंट दोनों के प्रोटेक्शन को साथ में लेकर चलने की जरूरत है। आज जो शुरुआत हुई है बहुत सुंदर है, बच्चों ने भी बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। मैंने अभी कुछ समय पहले भी इस बारे में मीटिंग की थी दिल्ली में, और मेरा ये टारगेट है कि कम से कम इस साल करीब 50 से 60 लाख पेड़ों को लगाया जाए, सोसाइटीज को रोपिंग किया जाएगा, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, सभी जगहों पर जो है प्लांटेशन की ड्राइव शुरू की जाएगी। और एक चीज जो अक्सर देखने को मिलती है कि हम आज भी जो सैपलिंग्स लेकर आते हैं वो प्लास्टिक के काले बैग्स में लाते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। उसके लिए भी हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि गोबर के बने हुए छोटे-छोटे गमले, उनमें सैपलिंग्स को तैयार किया जाए और वो सीधा के सीधा उनको रोपिंग कर दिया जाए।